सोशल मीडिया पर हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया का नया गाना मसकली काफ़ी धूम मचा रहा है। मसकली का रीमेक हाल ही में आया है, जिसे मसकली 2.0 के नाम से लॉन्च किया गया। मसकली का ओरिजिनल गाने को लिखा था प्रसून जोशी ने और इसे संगीत दिया था AR रहमान ने और मोहित चौहान ने इसे आवाज़ दी थी। इस गाने को अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर पर फिल्माया गया था। हाल ही में आया मसकली 2.0 सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया पर फिल्माया गया है। इस गाने को कम पसंद किया जा रहा है। इस गाने पर AR रहमान ने ट्वीट कर लिखा, एंजॉय द ओरिजिनल मसकली। इसके साथ ही AR रहमान ने ये भी बताया कि गाने को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। AR रहमान के इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर चर्चा आम हो गई है कि वो मसकली के रिमिक्स वर्जन से खुश नहीं है। और भी कई लोग हैं जो इस गाने से खुश नज़र नहीं आए। ओरिजिनल गाने को आवाज़ देने वाले सिंगर मोहित चौहान का इस पर रिएक्शन आया है। मोहित ने कहा कि रिक्रिएट किया था तो इसे मसकली नाम देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये वास्तविक गाने जैसा साउंड नहीं करता है। वहीं कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने लिखा कि एक कलाकार के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होता जब उसका काम हिंसक रूप से लिया जाता है और उसे सस्ती कॉपी में बदल दिया जाता है और कम IQ वाले दर्शकों के लिए बेच दिया जाता है। प्रसून जोशी ने गाने पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मसकली समेत मैंने दिल्ली 6 के लिए जितने गाने लिखे वो मेरे दिल के बेहद करीब है। ये देखना बहुत दुखद है कि AR रहमान, प्रसून जोशी और मोहित चौहान के ओरिजिनल काम को इतनी असंवेदनशील तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये पूरी तरह से टी सीरीज की चेतना पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि फैंस ओरिजिनल गाने के समर्थन में खड़े होंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.